हेलो, आपने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। आज मैं आपको दादी के समय की सब्जी बता रही हूँ, लेकिन स्वाद में तो वह बाज़ार से भी टेस्टी लगती है। आजकल ऐसा समय चल रहा है कि हमें घर से बाहर नहीं निकलना है, इसलिए हमको घर पर ही रहकर कुछ कुछ बनाना पड़ता है। जब घर में कुछ भी सब्जी ना हो तो आप इस सब्जी को बड़े अच्छे से बनाइए, यह बहुत ही टेस्टी टेस्टी लगती है। देखिए, मैंने इसमें 2 चम्मच तेल डाल दिया है, छोटी चम्मच से 2 चम्मच तेल डाल दिया है। अब इसमें मैं तेज़पत्ता डाल रही हूँ और ये लाल तेल हो जाने के बाद इसमें जीरे और राई, आधी चम्मच जीरे और आधी चम्मच मैंने राई ले लिया है, जो मैं इसमें बघार लगा रही हूँ। इसमें मैं थोड़ी सी हींग डालती हूँ, मैं इसमें थोड़ी सी हींग डाल रही हूँ। देखिए, मैं थोड़ी सी हींग डाल रही हूँ। मेरे जीरे और हो चुके हैं, मैं इसमें थोड़ा सा 4 पोथी लहसुन भी डाल देती हूँ। और मैंने 2 बड़े प्याज ले लिए हैं, प्याज भी मैं अब इसमें डाल रही हूँ। मैं इसमें 2 बड़े प्याज लेकर डाल रही हूँ। अब मुझे अपनी प्याज को सुनहला सुनहला तलना पड़ेगा। प्याज सुनहली हो जाएगी तब तक मैंने अपना ये घोल तैयार कर लिया है। इसमें मैंने हल्दी, धनिया और मिर्ची तीनों चीज़ों का घोल तैयार कर लिया है। ये बहुत ही टेस्टी हो जाएगा जब तक फूल कर, तब तक हमारा प्याज हो रहा है। इसी में मैं नमक, प्याज में मैं 1 चम्मच नमक डाल देती हूँ। 1 चम्मच नमक डालने से हमारी प्याज जल्दी ही सुनहली सुनहली हो जाती है। मैंने उसमें नमक डाल दिया है। अब मैं इसको चला रही हूँ। प्याज जैसे ही मेरी सुनहली होएगी, मैं अपना तैयार किया हुआ मसाला इसमें डालकर और इसको थोड़ी देर के लिए भूनूंगी, जिसमें मसाला अच्छे से पक जाता है। अब आप कहेंगे कि दादी ने सब्जी तो बताई ही नहीं है कि मैं कौन सी सब्जी बना रही हूँ। भैया, ये सब्जी तो मेरी दादी बनाती थी। अब मुझे याद आ गया कि घर में कुछ नहीं है, तो चलो आज मैं इसी को बना लेती हूँ। इसका नाम है मूंग की दाल की बड़ी। मूंग की दाल खाते खाते भी हम लोग जो है परेशान हो जाती हूँ। देखिए, ये है मेरी मूंग की बड़ी। अब मैं आपको बता रही हूँ कि हमारी दादी किस तरह मूंग की बड़ी बनाती थी। हम लोगों के समय में बरसात के मौसम में बिल्कुल भी सब्जी नहीं मिलती थी और दालें भी कहाँ तक खाएं लोग। तो पहले के लोग बड़ी बनाकर रख लेते थे। मूंग की दाल को फुला दीजिए, 2 घंटे बाद जब वो फूल जाए तो उसके छिक्कल निकाल दीजिए, या आप धुली दाल ही लाकर फुला सकते हैं और उसको मिक्सी में पीस लीजिए और 1 थाली में घी लगाकर या तेल लगाकर उसको बना लीजिए। जब छोटी छोटी बना लीजिए, देखिए हमने कितनी छोटी छोटी इन बड़ियों को बनाया है, इनको बना लीजिए। और अभी धूप बहुत अच्छी निकल रही है, आप धूप में रख दीजिए। ये आपकी बड़ी 2 दिन में तैयार हो जाएगी और तैयार होने के बाद इनको ऐसा सुनहला सुनहला थोड़ा सा तेल डालकर भूंज लीजिए। जब ये सुनहली सुनहली भुन जाती हैं तो बनाने के लिए बिल्कुल भी तैयार हो जाती हैं। देखिए, हमारे मसाले ने तेल छोड़ दिया है, बिल्कुल भुनकर तैयार हो गया है। हमारा मसाला कितना अच्छा तैयार हुआ है। अब मैं इसमें 3 कटोरी के अंदाज का पानी डालती हूँ।
थोड़ा सा मैंने इसमें पानी ज़्यादा कर दिया है, क्योंकि बड़ी फूल कर बड़ी बड़ी हो जाती हैं, इसलिए इसमें मैंने थोड़ी सी दाल गला ली थी। मैंने तो धुली दाल ली थी और उसको मिक्सी से पीस लिया था। पीसने के बाद मैंने छोटी छोटी ऐसी बड़ी बना ली थी। और अब बड़ी बनाने के बाद मैंने अपना मसाला तैयार कर लिया है। बड़ी 2 दिन बाद सूख कर बनने के लिए तैयार हो जाती है, अगर आप छोटी छोटी बनाएंगी तो। अब मेरा मसाला खौल रहा है, मेरा देखिए पानी कितना ज़्यादा खौल रहा है। इसमें थोड़ा सा पानी अधिक डालना पड़ता है, इसको रसे वाली ही बनाएंगे तभी स्वादिष्ट अच्छी लगती हैं। और ये बाज़ार से भी टेस्टी सब्ज़ी लगेगी। देखिए मैं इसमें अब अपनी बड़ी डाल रही हूँ। ये बड़ी जब मेरी फूल कर तैयार हो जाएंगी तब मैं इसको परोस दूँगी। अब मैं अपनी गैस को कम कर रही हूँ और इसको थोड़ी देर पकने देती हूँ। बड़ी अपने आप फूल फूल कर बड़ी हो जाएंगी।